हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के द्वारा पीजी वालों का सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, पीजी में दोस्तों एमए का, एमएससी का और एमकॉम का सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट अब जारी कर दिया गया है। दोस्तों 31 अगस्त को ये रिज़ल्ट शाम को जारी किया गया है। यहाँ आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको अपना रिज़ल्ट कैसे देखना है। तो दोस्तों आपको गूगल में जाना पड़ेगा। गूगल में जाने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना पड़ेगा आरएमएलयू रिज़ल्ट 2024। उसके बाद सबसे ऊपर जो लिंक दिखाई देगी आपको सिंपल से उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको मैं दिखा दे रहा हूँ लिखा हुआ है, आपको मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ लिखा हुआ है न्यू इवेंट सेमेस्टर रिज़ल्ट, एनईपी इवेंट सेमेस्टर रिज़ल्ट। इसी के नीचे आपका रिज़ल्ट है। जैसे थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, पीजी वालों का जो फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट था वो पहले ही आ चुका था, लेकिन अब दोस्तों पीजी वालों का सेकंड सेमेस्टर का भी रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पीजी एनएपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेमेस्टर टू। यहाँ पर दोस्तों इस पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एमए का और एमएससी का और दोस्तों एमकॉम का भी रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर मास्टर ऑफ सोशल वर्क का भी रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद कॉलेज आएगा, उसके बाद ब्यू रिज़ल्ट पर क्लिक करके अपने यहाँ से रोल नंबर डालेंगे, रिज़ल्ट चेक कर सकेंगे। तो दोस्तों आपका रिज़ल्ट बहुत दिनों से इंतज़ार था, आपका भी रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों पीजी वालों का, यूजी वालों का, दोनों का, सभी सेमेस्टर का रिज़ल्ट, जितने भी एग्ज़ाम हुए थे हाल ही में, जो एग्ज़ाम आपका हुआ था दोस्तों जून में, उन सब का रिज़ल्ट अब सभी सेमेस्टर का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।